अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आप देख रहे हैं बेगम किचन। तो आज मैं जो लेकर आई हूं वो है गिफ्ट्स फॉर किड्स। तो दिवाली आ रही है, बच्चों के लिए गिफ्ट हम तैयार करते हैं, तो ये बहुत बजट में गिफ्ट तैयार हो जाएंगे, बहुत ही कम लागत में ये तैयार होने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बहुत सारे कलर्स पड़े हैं, तो इनको मैनेज करते हैं। यहाँ मैंने लिया है स्केच पेन, पेंसिल कलर और क्रेयॉन्स कलर और एक शार्पनर। बस अब इन्हें रैप करेंगे, पहले सेट बना लेते हैं फिर उसके बाद हम इसे रैप करेंगे। डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल बजट में है, अंडर 50 आप तैयार कर सकते हैं गिफ्ट, और बहुत सारे तैयार करिए। जो भी बचा है आप उसको रिटर्न गिफ्ट दीजिए, और या फिर आपके आपके रिलेटिव्स में जो किड्स होते हैं उनके लिए भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पेपर रैपिंग लिया है, उसको अच्छे से हमने कट कर लेना है, और पेपर रैप जो आप जो भी रैप लेंगे वो इस तरीके से हो जो बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगे कि हाँ गिफ्ट का मतलब बच्चों के मुताबिक होना चाहिए उसके प्रिंट जो होता है। तो यहाँ स्टार बने हैं, कलरफुल स्टार बने हुए, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए मैं ये वाला रैप लेकर आई हूँ। अब हमने कलर्स को रैप करना है, तो यहाँ स्केच पेन है और पेंसिल और क्रेयॉन्स कलर लिए रखे हैं, छोटे छोटे पैकेट बना लिए हैं, और इसको हम रैप कर लेंगे अच्छे से। बच्चे हमें बड़े मासूम से होते हैं, उनको अगर हम छोटा सा गिफ्ट देते हैं तो वो बहुत ही खुश, इवन बच्चे क्या बड़े भी गिफ्ट पाके सभी खुश होते हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आपके घर पे कोई गिफ्ट गेस्ट आ रहे हैं और उनके साथ बच्चे आ रहे हैं तो आप उनको रिटर्न गिफ्ट दें, या आप आपके बच्चों का बर्थडे पार्टी है और बच्चों को रिटर्न गिफ्ट, ये बहुत अच्छा आइडिया है रिटर्न गिफ्ट का, और बहुत ही कम बजट में ये मतलब पैकिंग हो जाएगी इसकी। तो मैं ज़रूर प्रेफर करूँगी कि आप इस तरीके से छोटे छोटे गिफ्ट्स तैयार करके अपने बच्चों को दें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो रैप हो चुका है, बस अब मैं इसमें एक और काम करने वाली हूँ। यहाँ मैंने जो टैडी लगाया है वो उसके पीछे जो है वो शार्पनर लगा हुआ है, तो जो हमारे क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर है उसमें ये अच्छे से शार्प हो जाएगा, इनकी ज़रूरत होती है, स्केच में नहीं होगी। तो जैसे कि आप, मैं सारे रैप करके आपको फटाफट से दिखाती हूँ, और वीडियो अच्छी लगे बच्चों के लोगों को तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये आइडिया बहुत ही यूजुअली इसे इस आइडिया को अपने आते हैं लोग, और अगर आपने अपने बच्चे के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और वहाँ बच्चे आ रहे हैं तो आप ये रिटर्न गिफ्ट आप ऐसे तैयार करें तो आपके बच्चों के साथ साथ उन जो बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी पार्टी में आ रहे हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए ये बहुत कलरफुल लग रहा है, और मैं ज़रूर आपको इस बात के लिए बोलूँगी कि ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट्स जो तैयार करते हैं वो बहुत ही कम बजट के होते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो दिवाली भी आ रही है, आप दिवाली पे भी रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं बच्चों को, इवन बच्चों को आप ऐसे करके दिवाली में पटाखे और फुलझड़ी ना देने के बाद ये अगर आप देंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ना पटाखों का शोर ना कुछ, इनसे बोले कि कलरफुल ड्राइंग बनाएं और आपके अच्छे दिवाली सीन बनाएं तो बच्चे भी थोड़ा बिजी भी रहेंगे और उनको बहुत मज़ा भी आएगा। तो जैसे कि मैंने ये गिफ्ट तैयार कर लिए हैं, देखिए कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, और मैं अब इन पे एक चीज़ और लगाऊंगी। तो देखिए ये तो बिल्कुल, इसमें एक कमी लग रही है, क्या कमी लग रही है यहाँ, इसमें एक कमी लग रही है, मैं आपको वो बता देती हूँ। इसमें कमी लग रही है एक फ्लावर की, जो देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है भाई, ऐसी इंटरेस्ट
छोटे से गिफ्ट्स आप तैयार करें अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के किड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स में, आप अगर ये गिफ्ट थोड़ी गरीब बच्चों को भी अगर बांटेंगे तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो गिफ्ट फ्लावर मैंने तैयार किया। अब फ्लावर का जो लेसिस है उसको मैं थोड़ा सा कर्व देने के लिए यहाँ शार्प नाइफ का इस्तेमाल करी, पर हाँ आप ध्यान रखिएगा उस साइड से ना यूज़ करें जहाँ शार्पनेस हो, आप दूसरी साइड से जहाँ शार्प नहीं होता है वो साइड से यूज़ करें। यहाँ टेप लगा कर मैं गिफ्ट पे लगा दूँगी और मेरे गिफ्ट तैयार हो चुके हैं। देखिए बढ़िया ऐसे लग रहे हैं ना। तो इस आइडिया को आप ज़रूर अपनाएं, देखिए कितने बेहतरीन सा ये गिफ्ट नज़र आ रहा है। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अल्लाह हाफिज़।